एवरीवन, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 आरसीडी में। और इस चैप्टर में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट फ्रॉड। फ्रॉड जो है ये हम लोग इन जनरली बहुत बार बोलते हैं, हमेशा फ्रॉड कर दिया, धोखा दे दिया, चीटिंग कर दिया। तो ये जो फ्रॉड है ये हम कौन कौन से एक्ट में पढ़ने वाले हैं। एक तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447 जो फ्रॉड के कंसर्न में है उसके बारे में हम बात करेंगे। कंपनीज एक्ट में भर भर के बहुत सारे सेक्शंस में फ्रॉड को जिक्र किया गया है और उसके लिए हैवी पेनल्टीज लगाई गई हैं। और एग्जैक्टली जो फ्रॉड है आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर जो फ्रॉड है उसको भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो अभी सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना है, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम दो एक्ट्स के अंदर, तो आईपीसी जो कोड है उसके अंदर फ्रॉड क्या बोलते हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड साथ ही में कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस कवर किए हैं वो भी हम कवर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द लीगल प्रोविजंस, उससे पहले इन जनरल फ्रॉड होता क्या है और फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट टर्म एंड देन लेटर ऑन वी विल मूव टू द प्रोविजंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है फ्रॉड के। देखो नंबर वन, जब भी हम फ्रॉड की बात करते हैं ना तो फ्रॉड में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन या असर्शन। फॉल्स या विलफुल रिप्रेजेंटेशन, देखिए आज मैं कोई भी फैक्ट आपको बताऊं तो वो फैक्ट अगर झूठा है और मुझे पता है कि वो झूठ है, स्टिल उसके बावजूद भी मैं वो फैक्ट आपको बता रही हूं, तो इसका मतलब मैं आपके साथ क्या कर रही हूं, फ्रॉड कर रही हूं। से फॉर एग्जांपल, आज एक कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ये बोलती है कि कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है, जबकि एक्चुअल में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 20 करोड़ है। तो यहाँ पे विलफुली जानबूझ करके इंटेंशनली क्या किया गया है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इस तरह का रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फ्रॉड होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन या असर्शन। देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड there must be some representation or assertion which is what untrue। अच्छा सच बोलोगे तब थोड़े ना फ्रॉड है, कंपनी बोलेगी 20 करोड़ का प्रॉफिट है और एक्चुअल में भी 20 करोड़ का प्रॉफिट है तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ फ्रॉड, आप तो सच बोल रहे हो। लेकिन अगर आपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया है, गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई है तो डेफिनेटली इट विल बी टर्म्ड एज फ्रॉड। तो ऐसा नहीं अकेला यही फीचर है, बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, तो सिर्फ अकेला एक्सक्लूसिवली इस पॉइंट के बेसिस पे आप फ्रॉड कंसिडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी हम कुछ जजमेंटल मत होना। अभी सिंपली हम एक पॉइंट समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो अनट्रू इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों को डिस्क्लोज कर रहा है, तो वो फ्रॉड का एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन, इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड असर्शन देयर कैन बी नो फ्रॉड। अच्छा मान लो कोई पर्सन है वो कोई रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहा, तो क्या वो फ्रॉड है? तो डेफिनेटली नॉट, फिर वो फ्रॉड ही नहीं है। जब उसने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं है, वो साइलेंट है, उसने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, तो फ्रॉड होगा क्या? नो। लेकिन वो साइलेंस भी फ्रॉड हो सकती है। कब हो सकती है? एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग टू केसेस, एंड दैट इज व्हाट, नंबर वन, वेयर साइलेंस में इटसेल्फ अमाउंट टू फ्रॉड। अब सुनो मैम, ये क्या बात हुई, साइलेंस फ्रॉड कैसे हो सकती है? आज अगर मैं आपसे किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मांगू, मैं आपसे पूछूं कि आज ये कार है, ये कार मुझे परचेज करनी है आपसे, और इस कार का माइलेज 50 किलोमीटर पर लीटर है क्या, मैंने ऐसा पूछा, तो आप कुछ नहीं बोले, आप साइलेंट रह गए, जबकि उस कार का जो माइलेज था वो 10 किलोमीटर पर लीटर ही था, आपने कुछ नहीं बोला, आप साइलेंट थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं यही मानूंगी ना कि हाँ 50 किलोमीटर का इसका माइलेज है। तो अगर साइलेंस जो है,
साइलेंस जो है वो फ्रॉड है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी ड्यूटी बनती थी कि आप यहाँ पे फैक्ट डिस्क्लोज करें और आपने फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया, तो भाई साहब साइलेंस भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। देखो मैंने अगर पूछा ही नहीं होता, अगर मैंने पूछा ही नहीं होता माइलेज कितना है और सामने वाले ने बताया भी होता, मैं साइलेंट मोड पे रहता, तो अब तो देयर इज नो फ्रॉड। बट मैंने आगे से पूछा कि क्या ये फीचर इस रेस्पेक्टिव कार में, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट में है, मैंने पूछा ऐसा एज अ कस्टमर, और आपने एज अ सेलर साइलेंस रह गए, कुछ नहीं बोला, तो मेरा प्रजम्पशन हमेशा यही रहेगा कि हाँ मतलब डेफिनेटली ये फीचर है उसमें। आज बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, जीरो डेट इंश्योरेंस वगैरह, बहुत सारी आप पॉलिसीज वगैरह लेते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्लोज होती है कि क्या कवर है क्या कवर नहीं है। तो अगर आप आगे से कोई बात पूछ रहे हो तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द सेलर कि वो क्लियरली मैंशन कर दे कि वो रेस्पेक्टिव फीचर्स में है भी कि नहीं है। अगर वो साइलेंट रहता है तो फिर इन दैट केस क्या हो जाता है, साइलेंट केस में क्या मान लेंगे उसको, एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस मान लिया तो फिर क्या हो जाएगा, वो झूठ हुआ तो है ना। अच्छा एक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल, आपने ना पुरानी मूवीज कभी देखी है, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा इंसिडेंट कि जैसे जो हीरोइन होती थी उनको एकदम शर्मिला सा बता देते हैं, है ना। तो अभी मान लीजिए हीरो जो है वो हीरोइन को प्रपोज कर रहा है कि विल यू मैरी मी समथिंग लाइक दैट, तो हीरोइन हंस के चली जाती थी, है ना। तो वहाँ पे जो वो स्माइल करके चली जाती थी, है ना, या उसके घर पे रिश्ते की बात आ रही है ना, तो लड़के वाले आए हुए हैं, लड़की को लड़का पसंद है, तो वो हंस करके अपने रूम में भाग जा रही है, मतलब ऐसे कुछ सीन दिखाए जाते थे, है ना। आजकल की लड़कियां तो ऐसा नहीं करती ऑफकोर्स, तो हाँ अगर ऐसा कोई सीन दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या, इम्प्लाइड क्या मानते हो, साइलेंट कंसेंट आ गई, साइलेंट कंसेंट मतलब लड़की हंस गई, इसका मतलब कंसेंट आ गई। ऐसे ऐसे दिखाते थे ना हमारे मूवी, बॉलीवुड की मूवीज में तो इसी तरह की हरकतें दिखाते थे पहले, हाँ। तो इसका मतलब, इसका मतलब अगर 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 आप साइलेंट हैं, आपकी ड्यूटी बनती है बोलना और आप साइलेंट है, आपकी ड्यूटी बनती है बोलना और आप साइलेंट है, तो इसका मतलब वो साइलेंट कंसेंट मानी जाएगी। और अगर आप गलत चीज के लिए साइलेंट रह गए तो देन इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। देखो एक है ना, एक जनरल बात समझना, एक जनरल बात समझना कि कोई भी पर्सन जो सेलर है वो इन जनरल अपने प्रोडक्ट के जो भी खामियां हैं वो तो अनाउंसमेंट करेगा नहीं कि मेरे प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, करेगा क्या इन जनरल, बताओ। इन जनरल कोई भी पर्सन अपने प्रोडक्ट की खामियां खुद ही बताएगा कि मेरे प्रोडक्ट, देखो भैया मैं ब्रोकर हूँ, मैं फ्लैट बेचता हूँ और देखो मेरा ये फ्लैट यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे एक परेशानी है, पार्किंग नहीं मिलता है ना, यहाँ पे एक परेशानी है कि जब बारिश वारिश आती है तो थोड़ा सा ना जो भी ड्रेनेज वगैरह ब्लॉकेज हो जाता है, थोड़ा सीलन आ जाता है, क्या ऐसा कोई ब्रोकर बताता है, कभी देखा ऐसा कि ब्रोकर खुद ही अपना फ्लैट सेल करना चाह रहा है और खुद ही ये सारी खामियां जो गिन गिन के निकाल रहा है ना। तो ऑब्वियसली नॉट, वो क्या बताएगा, अच्छे फीचर्स बताएगा ना फ्लैट के, कि यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, एकदम कॉर्नर का प्लॉट है, एकदम शांति बनी रहती है आस पास में, मतलब जो तो फैक्ट सच वाले हैं, जो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं वो उसने बता दिए। अब आपने केविट एम्टर का नाम सुना है ना, उसने पूछ लिया और अब ब्रोकर चुप रह जाए या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करे तो क्या अब फ्रॉड है? लेकिन अगर मान लो बायर ने पूछा ही नहीं और इसलिए सेलर ने बताया ही नहीं तो क्या ये फ्रॉड है? नो, दैट इट इज नॉट अ फ्रॉड। इसीलिए इसने बोला टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। देखो एक तो क्या होता है कि हम है ना अपने प्रोडक्ट के बारे में जो खूबियां बता रहे हैं ना, जो खूबियां बता रहे हैं, जो गुणगान गा रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा पड़ा किए मेरा पड़ा किए मेरा पड़ा किए, है ना, तो जो हम बता रहे हैं, पहली बात तो पहली कंडीशन वो झूठ नहीं होनी चाहिए। अगर वही झूठ निकला तो बाय डिफॉल्ट फ्रॉड है। बाय डिफॉल्ट क्या है? फ्रॉड है। अच्छा लेकिन आपने कुछ बोला नहीं, आप साइलेंट है, तो क्या साइलेंस को फ्रॉड माना जाएगा? तो साइलेंस को तो इन जनरल फ्रॉड नहीं माना जाएगा, लेकिन लेकिन वो साइलेंस
अगर कंसेंट है, अगर आपसे पूछा गया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्ड करो, आपने नहीं कुछ बोला और वो साइलेंस कंसेंट मान ली गई है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, अमाउंट टू फ्रॉड हो जाएगा। एंड वेयर देयर इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, क्या है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो जहां पे आपने बहुत मेजर इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील की है। अच्छा, मेजर इंफॉर्मेशन कंसील की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेच दी, उसको पता ही नहीं कि प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज है। अच्छा, ये बात चाहे बायर पूछता नहीं पूछता, क्या सेलर को पता नहीं चाहिए थी? बतानी चाहिए थी, ये तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन का पार्ट है भाई, तो अगर उसने पूछा या ना ही पूछा ये तो बात बतानी चाहिए थी। तो दिस इज कॉल्ड मेजर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो इनमें अगर कोई फॉल करता है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड होगा, अदरवाइज सिंपली साइलेंस अगर है, सिंपली साइलेंस है तो उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तो पॉइंट नंबर वन जो हम पढ़ रहे हैं, फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। देखो, दो बातें हुई, एक तो सामने वाले ने बकरवास कर दी है ना, मतलब कुछ उगल दिया है ना, कुछ वॉमिट करा, मतलब कुछ बोला, वो साइलेंट नहीं रहा, वो बोला, तो अगर उसने कुछ बोला, कम्युनिकेट किया, या कम्युनिकेट नहीं किया, दो बातें, कम्युनिकेट किया और वो क्या हो गया, अनट्रू, तो क्या बोलोगे इसको, फ्रॉड बोलोगे। अब वो बोला ही नहीं कुछ भी, साइलेंट है, तो साइलेंट के केस में अगर उसने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया तो जनरली फ्रॉड नहीं होता, जनरली नो फ्रॉड। लेकिन भाई अगर वो साइलेंस क्या है, वो साइलेंस खुद ही फ्रॉड है और उसमें एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड बन जाएगा। एक्सेप्ट जहां ड्यूटी बनती है, आपको बोलना चाहिए था, वहां पे आपने नहीं बोला, तो ड्यूटी थी आपकी बोलना, नहीं बोले, या फिर एक्टिव कंसीलमेंट आपने किया है, एक्टिव कंसीलमेंट आपने किया है, तो डेफिनेटली दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो यहां पे हमारा पॉइंट नंबर वन किसके बारे में बोल रहा है, फॉल्स एंड विलफुल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आज मैं आपको ये बताऊं कि मेरी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड आई एम डिस्क्लोजिंग द फैक्ट दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़, आई एम द डायरेक्टर। अच्छा, अब ये जो मैंने 100 करोड़ का फिगर बताया है, ये मेरे ऑडिटर ने भी मेरा बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके 100 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने भी निकाल दिया, उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन रेज नहीं किया। अब मुझे फाइनेंस फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे तो जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाई देगा मैं तो वही बोलूंगी 100 करोड़ का प्रॉफिट। अब एक्चुअल में वो प्रॉफिट 100 करोड़ का था ही नहीं, ऑडिटर्स और बाकी जो फाइनेंस वाले जो लोग थे उन्होंने मिलकर के कोई मैनिपुलेशन किया था और 80 करोड़ के प्रॉफिट को उन्होंने 100 करोड़ शो किया था, बट मैं जेन्युइन पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, मुझे अकाउंट समझ में भी नहीं आता, तो मैंने ये बिलीव करके कि हाँ 100 करोड़ का प्रॉफिट है, आपको ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर की, तो क्या अब मैंने फ्रॉड किया? नो मैम, नो, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मैं तो खुद ही इस पे, इस फैक्ट पे ट्रस्ट कर रही थी, मैं तो खुद ही ये मान के चल रही थी कि ये सच है और इसीलिए मैंने ये आपको बताया। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है और वो खुद उस इन्फॉर्मेशन को सच मान रहा है, तो डेफिनेटली वो फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। तो द पर्सन मेकिंग द रिप्रेजेंटेशन शुड नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, अगर वो बिलीव कर रहा है तो वो फ्रॉड नहीं है, अगर वो बिलीव नहीं कर रहा उसको खुद को पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली विल अमाउंट टू फ्रॉड, अदरवाइज ही और शी विल नॉट बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड। मोर ओवर टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड विलफुली और इंटेंशनली। तो यहाँ पे एक और वर्ड ऐड हो गया, इंटेंशनली, तो जान बूझ करके मेरा इंटेंशन लोगों को धोखा देने का था, इंटेंशनली मैंने फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों को डिलीवर की है, तभी वो फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर अननोइंगली
मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर की और वो गलत निकल गई, तो दैट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। आई होप ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियर है सब लोगों को, एकदम अच्छे से समझ में आ गए। चलो एक एग्जाम्पल है, ये हमारे ना मिस्टर पप्पू जी हैं, ओके, ये जो मिस्टर पप्पू जी हैं इनका ये एक बंगला है ना, छोटा सा प्यारा सा बंगला। अब जो मिस्टर पप्पू जी है ना, वो चाहते हैं कि मैं इंडिया छोड़ के बाहर चला जाऊं। अब ही इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू यूएस, सेलर सब्जी यूएस जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया को अभी लौट के वापस आऊंगा नहीं, तो इसीलिए मैं अपना बंगलो जो है वो बेच देता हूं। तो ही इज विलिंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी, तो सोचा कि ठीक है मकान मकान बेच देता हूं। अब मकान बेचने के लिए उन्होंने बहुत सारे ब्रोकर्स को बोला कि यार कोई अच्छा बायर मिले तो ढूंढ के लेके आना, मुझे अपना ये फ्लैट या मकान या बंगलो बेचना है। चलो भाई, ब्रोकर्स ने मशक्कत की और मशक्कत करके किसी मिस्टर टप्पू जी को ढूंढ के ले गए। मिस्टर टप्पू भी एक बंगलो खरीदने के बारे में सोच ही रहे थे, तो मिस्टर टप्पू ने मिस्टर पप्पू के बंगलो को विजिट किया। बिना विजिट करे थोड़ा ना खरीद लेंगे, तो विजिट किया बंगलो को, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने बोला कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर्टी पसंद है एंड आई विल परचेज दिस प्रॉपर्टी, आई विल परचेज दिस प्रॉपर्टी। तो मिस्टर पप्पू ने अपनी प्रॉपर्टी किसको बेच दी? बेच दी। यहाँ पे अभी मिस्टर टप्पू जी जो है वो प्रॉपर्टी के ओनर हैं, और उनको कुछ दिन बाद पता चला क्या कि भाई इस प्रॉपर्टी पे क्या चल रहा है, लोन चल रहा है। ये बात तो मिस्टर पप्पू ने बताई नहीं थी, बताई नहीं। ये फैक्ट जो था नॉट डिस्क्लोज्ड, दिस फैक्ट वॉज Not disclosed. अब बताओ क्या ये active concealment of fact है कि नहीं है? Yes, ma'am. तो क्या ये fraud है कि नहीं है? Yes, definitely fraud है. तो उसने active concealment of fact किया है, उसने consideration पूरा ले लिया और ये नहीं बताया कि भैया property में mortgage हो रखा है। अगर ये बताता तो मिस्टर टप्पू क्या करता, कंसिडरेशन में से मॉर्गेज का अमाउंट माइनस करके बैलेंस पे करता ना। अगर इस बंगलो का प्राइस 10 करोड़ डिसाइड हुआ और मॉर्गेज हो रखा है मान लो 5 करोड़ का, तो मिस्टर टप्पू क्या करता, 10 करोड़ में से 5 करोड़ का लोन अमाउंट माइनस करके एंड देन बैलेंस अमाउंट ही पप्पू को पे करता। बट मिस्टर पप्पू ने ये बात बताई नहीं और बेचारे मिस्टर टप्पू ने 10 करोड़ पूरे के पूरे किसको दे दिए, मिस्टर पप्पू को दे दिए। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। एंड दिस अमाउंट टू फ्रॉड। फाइन, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइन, चलिए लेट्स मूव टू द सेकंड फीचर ऑफ फ्रॉड, दैट इज व्हाट, प्रिपरेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या होना चाहिए इसमें? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या मिस स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बाय द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अरे भैया, जो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया होना चाहिए। बाहर की दुनिया ने कुछ भी बोला उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब है? तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या मिस स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनीवन विद इट्स कनाइवेंस और बाय इट्स एजेंट। तो अगर पार्टी के एजेंट या उसकी कंसेंट से किसी और ने कुछ बोला है तो ठीक बात है, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी स्ट्रेंजर आकर के कुछ भी बोल देगा प्रोडक्ट के बारे में, तो उससे पार्टी लाइबल हो जाएगी क्या? How is this possible? If a stranger makes misstatement to the contract, it cannot result in fraud. देखो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो हर किसी पर्सन की जिम्मेदारी जो पार्टी तो और कॉन्ट्रैक्ट है उसने थोड़ा ले रखी है,
अब उसके प्रोडक्ट के बारे में बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इससे सेलर का कोई लेना देना नहीं है। सेलर जो बोलता है वो इम्पोर्टेंट है। सेलर या उसका एजेंट अगर कुछ आपसे प्रॉमिस कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होगी, ना कि बाकी लोग क्या बोल रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं बाकी लोगों ने क्या बोला क्या नहीं बोला। दैट एब्सोल्युटली नॉट द केस ऑफ फ्रॉड। एग्जाम्पल समझते सेलर से जी। अगेन हमारे मिस्टर पप्पू जी हाजिर हो गए। ये जो हमारे मिस्टर पप्पू जी है ना, इन्होंने बोला अपने फ्रेंड मिस्टर टप्पू को कि यार आई वॉन्ट टू बाय अ कार, ऑफिस में एकदम बढ़िया सी कार लेके जाऊंगा तो इंप्रेशन अलग ही पड़ेगा, ऐसे शो ऑफ का जमाना है ना थोड़ा सा शो ऑफ। तो मिस्टर पप्पू ने बोला कि यार पुरानी कार बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती है, आई वॉन्ट टू बाय अ कार, लेकिन हाँ मुझे न्यू कार नहीं परचेज करनी है, मुझे सेकेंड हैंड कार ही परचेज करनी है क्योंकि कम प्राइस मिल जाएगी। तो मिस्टर टप्पू ने बोला अच्छा यू वॉन्ट टू बाय अ कार, तो वाई डोंट यू बाय द कार ऑफ मिस्टर कप्पू। मिस्टर कप्पू की कार मैंने देखी, एकदम अल्टीमेट कार है, बहुत आउटस्टैंडिंग कार है, दिखने में भी एकदम मस्त है और माइलेज भी झकास देती है, अल्टीमेट माइलेज देती है। तो व्हाट ही सेड कि भैया जो मिस्टर कप्पू की जो कार है ना 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। मिस्टर पप्पू ने बोला अरे वाह सही है एकदम, अगर इतनी मस्त कार है तो डेफिनेटली मैं मिस्टर कप्पू के पास जाऊंगा, उनकी कार देखूंगा और उनसे कार परचेज करूंगा। ठीक है, मिस्टर पप्पू ने अपना माइंड सेट कर लिया था टप्पू की बात को सुन करके कि जो मिस्टर कप्पू है उसकी कार बहुत आउटस्टैंडिंग है और माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। तो भाई ये जो मिस्टर पप्पू जी है ये पहुंचे किसके पास, मिस्टर कप्पू के पास। कहां पहुंचे, मिस्टर कप्पू के पास। अब मिस्टर कप्पू के पास पहुंच करके उन्होंने बोला कि सर मैंने सुना है आप अपनी कार बेचना चाहते हो तो प्लीज शो मी योर कार। तो मिस्टर कप्पू ने अपनी कार शो कर दी। मिस्टर कप्पू को बड़ी मस्त लगी कार, बोले यार क्या मस्त कार है, एकदम आउटस्टैंडिंग कार, और उसके दिमाग में माइलेज वही था। वही किसने बताया था माइलेज, टप्पू जी ने बताया था माइलेज है ना। अच्छा क्या मिस्टर कप्पू ने माइलेज के बारे में कोई प्रॉमिस किया है? No. अच्छा मिस्टर टप्पू जो था क्या एजेंट था मिस्टर कप्पू का? बिल्कुल नहीं, he was not an agent. मिस्टर कप्पू ने हायर नहीं किया था उसको एज एन एजेंट। तो यहाँ पे मिस्टर कप्पू ने माइलेज के कंसर्न में कोई वादा नहीं किया, कोई वादा नहीं किया। मिस्टर पप्पू को कार पसंद आई और उसने खरीद लिया और लेटर ऑन तो पता चला कार का माइलेज 15 किलोमीटर नहीं है, कार का माइलेज कितना है सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर। तो जब वादा ही नहीं किया तो वादा खिलाफी हुई क्या? तो क्या यहाँ पे मिस्टर कप्पू ने फ्रॉड किया? डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पे मिस्टर कप्पू ने कोई कंसेंट ही नहीं दिया था भैया माइलेज के कंसर्न में, थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर ने आकर के कुछ भी बोल दिया, तो इसकी जिम्मेदारी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की नहीं होती है। तो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट टू प्लेस कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड। तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर पप्पू ये नहीं बोल सकता कि मिस्टर कप्पू ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे झूठ बताया, 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मैंने सोचा था, ये तो माइलेज कम निकल गया। तो ऐसा मिस्टर पप्पू नहीं बोल सकता क्योंकि ही हैड अ ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ हिज फ्रेंड, है ना, स्ट्रेंजर की बातों पे बिलीव किया था उसने, ना कि सेलर की बातों पे। सेलर ने ऐसा कोई कमिटमेंट किया ही नहीं था। क्या ये सेकंड केस सबको समझ में आया? अच्छा पहला केस क्या था, फर्स्ट केस वाज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, विलफुल रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली दिया गया था, है ना। नंबर टू रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किसको देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के रिप्रेजेंटेशन से कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है। तो स्ट्रेंजर के रिप्रेजेंटेशन से फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है। ठीक है भाई, दो फीचर हमें समझ में आ गया अच्छे से। अब थर्ड फीचर इंटेंशन, वैसे इंटेंशन फर्स्ट पॉइंट में भी बोला था उसने, अब पर उसको सेपरेटली अब वापस से बता रहा है, इंटेंशन टू डिसीव। क्लियर कट इंटेंशन था डिसीव करने का, तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी इज द एसेंस ऑफ फ्रॉड।
In order to commit a fraud, one person asserts or misstates the fact with the intention that it should be acted upon. अच्छा मैंने आपको generally ऐसे ही कुछ भी information दे दी, पर मेरा intention ये नहीं था कि आपके साथ कुछ गलत हो या आप उस respective transaction में enter करो. मैंने ऐसे ही बता दिया, intention नहीं था. Fraud नहीं है फिर, है ना? तो मिस स्टेटमेंट के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज ऐड हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट इंटेंशन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन एलिवेट्स टू द लेवल ऑफ फ्रॉड व्हेन इट इज प्रीफिक्स्ड विद द एलिमेंट ऑफ इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी. तो अगर आपका इंटेंशन डिसीव करने का है तो ही ये फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट होगा. अगर इंटेंशन है ही नहीं डिसीव करने का तो दिस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड. एग्जाम्पल देख लेते हैं. देखो ये हमारे हैं, कौन है? मिस्टर ए. ये जो मिस्टर ए है ना, ही इज द ओनर ऑफ अ शुगर फैक्ट्री. इज द ओनर ऑफ द शुगर फैक्ट्री. और जो मिस्टर ए है, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे थे बेचारे, तो या बिजनेस चेंज करना चाह रहे थे. बोले कि नहीं यार, अब शुगर फैक्ट्री में दिल नहीं लगता है, मुझे चेंज करना है. तो इज विलिंग टू सेल दिस फैक्ट्री. तो अभी ये चाह रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री को कोई खरीदने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. आई वॉन्ट टू सेल दिस फैक्ट्री. अब मार्केट में रूमर फैली कि भाई मिस्टर ए अपनी फैक्ट्री बेच रहे. तो ऑब्वियसली जब बनी बनाई सेटअप वाली फैक्ट्री बिक रही होती है तो बहुत सारे बायर्स आ ही जाते हैं. तो यहाँ पे एक पर्सन मिस्टर बी जो थे, ही वॉज इंटरेस्टेड टू बाय दिस फैक्ट्री. तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया कि मिस्टर ए की फैक्ट्री में खरीदना चाहता हूँ. दोनों ने फोन पे बात की, तो दोनों ने डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, फैक्ट्री पे आके ही मिलते हैं, आप फैक्ट्री देख भी लेना और अपनी बातें भी कर लेंगे, कंडीशंस भी डिसाइड कर लेंगे. तो दोनों जो है वो फैक्ट्री में पहुंचे. बात चल रही थी कि कंसिडरेशन क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने वर्कर्स है, क्या है, सब कुछ ऐसे बात चल रही थी. तो मिस्टर ए ने बोला कि भाई जो मेरी फैक्ट्री है ना, वहां पे 1000 टन, कितना 1000 टन शुगर प्रोडक्शन किया जा सकता है, ऐसा उसने बोला. मिस्टर ए ने कमिट किया कि मेरी इस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 1000 टन शुगर प्रोडक्शन की है. मिस्टर बी ने बोला अरे वाह यार, और अल्टीमेट बात है, तो आउटस्टैंडिंग बात है, 1000 टन. तो ही वॉज वेरी हैप्पी, उसने कहा बहुत सही है, तो मैं आपकी फैक्ट्री खरीद लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फैक्ट्री प्रोमाइसेस भी अच्छी लग रही है, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं और साथ में 1000 टन शुगर प्रोडक्शन भी है. एंड ही बॉट दिस प्रॉपर्टी, ही बॉट दिस फैक्ट्री. अब प्रोडक्शन चल रहा है तो ग्रेजुअली पौधों खुलेगी ना. एंड ही केम टू नो दैट इस फैक्ट्री का कैपेसिटी 1000 टन का है ही नहीं. कितने का ऐसे पसंद? 600 टन की कैपेसिटी है भाई. अब बताओ यहाँ पे ये फ्रॉड है कि नहीं है? अच्छा इसमें दो चीजें ऐड हो गई इसमें, एक तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऐड हो गया और इंटेंशन भी ऐड हो गया है. इंटेंशन भी ऐड हो गया क्योंकि मिस्टर ए समा अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे थे और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उन्होंने जो भी बोलना था सब बोल दिया. नेता लोग भाषण नहीं देते है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बस हमें इलेक्ट कर लो, है ना. तो एग्जैक्टली मिस्टर ए समहाउ बाय हुक बाय क्रूक समहाउ ही वांटेड टू सेल हिज प्रॉपर्टी, तो इसलिए उसने झूठा वादा कर दिया, झूठी कसमें खा ली. तो मिस्टर बी ने उस पर ट्रस्ट कर लिया और वादा करके वादा खिलाफी करी, तो डेफिनेटली फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट होगा. तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है. तो ही ए हैज रिसॉर्टेड टू फ्रॉड टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ बी. तो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ क्या किया था? फ्रॉड किया था, क्योंकि कैपेसिटी एक्चुअल जो बताई गई कैपेसिटी उससे बहुत कम थी. तो दीज आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने अब तक पढ़ लिए हैं. पहला एलिमेंट देखो, एग्जाम्पल्स में जब हम बात करेंगे तो सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट कवर होते ही जाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारी बातें
जो है फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी होती है. तो पहली क्या चीज हुई, नंबर वन इज व्हाट, मिस रिप्रेजेंटेशन. नंबर टू, ये रिप्रेजेंटेशन दिया किसने, ये इम्पोर्टेंट. थर्डली क्या इम्पोर्टेंट बात है, इंटेंशन. इंटेंशन क्या है. अच्छा एक और एग्जांपल सुनना, जैसे कुछ लोग नहीं होते जिनको बहुत ज्यादा फेंकने की आदत होती है, ऐसे ही कुछ भी फेंकते रहते हैं ना, और फिर लोग बोलते हैं ऐसा लपेट रहे हैं लपेट रहे हैं ना. तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही किसी पर्सन ने ऐसे फेंक दिया क्या, मेरी फैक्ट्री जो है वो 1000 टन शुगर प्रोड्यूस करती है, ऐसे बोल दिया उसने, ऐसे बोल दिया. ना तो वहां पे सेलिंग ट्रांजेक्शन हो रहा था, ना कुछ और हो रहा था. लेटर ऑन डेट पे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में फाइनली डन हुआ, मान लीजिए एक साल बाद, दो साल बाद, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या आप यहाँ पे ये ग्राउंड लगा सकते हो कि आपने दो साल पहले ये बोला था. क्योंकि जब बोला गया था देयर वाज नो इंटेंशन, वो तो उसने अपनी आदतों के मजबूर होकर ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है उस वक्त इंटेंशन क्या है. अगर इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है ताकि समहाउ कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाए, देन ओनली इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड. चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट देते हैं, रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट. रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट. अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी ना निर्मा कांड देखा है? क्या गाते हैं उसमें, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी, निर्मा से पाए, ऐसा बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, दूध सी सफेदी निर्मा से पाए, ऐसा बोलते हैं वो, है ना. अच्छा ये जो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है ना, अब आप मान लो एक्चुअल में निर्मा से कपड़े धो रहे हो और आपने कंपेयर किया, और यार दूध से तो एग्जैक्टली सेम सफेदी यहाँ पे आ नहीं रही है, तो फ्रॉड बोलोगे इसको? इट्स नॉट अ फ्रॉड, इट्स नॉट अ फ्रॉड. यहाँ पे उन्होंने एक्टिव कोई कंसीलमेंट या एक्टिव मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, ये जनरली बोले जाते हैं ना, जैसे जुमले बोले जाते हैं, जुमले आजकल बड़ा पॉपुलर है, जुमले बोले जाते हैं, है ना. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो भी दिया जा रहा है वो फैक्ट से रिलेट करना चाहिए. अगर एम ही आजू बाजू की कोई भी कहानी बोली जा रही है तो उससे भावुक होकर के उसको फ्रॉड नहीं बोला जाएगा. तो लेट्स सी व्हाट इट सेज. रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द पार्टी मस्ट रिलेट टू अ फैक्ट व्हिच इज मटेरियल टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मटेरियल टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वो एक मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो अगर उस रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन में आपने कुछ ग्लिच किया है तो डेफिनेटली वो फ्रॉड होगा, अदरवाइज ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अ मियर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, बिलीव या कमेंडेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फ्रॉड. तो अगर जहां पे आप ओपिनियन दे रहे हैं, बिलीव दे रहे हैं कि हाँ मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, तो इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं वो फ्रॉड नहीं माने जाते. ओपिनियंस में तो सबके अलग अलग विचारधाराएं होती है भैया, कोई किसी को कुछ सही लगता है, किसी को कुछ सही लगता है, तो उन ओपिनियन या बिलीव या कोई भी किसी भी तरह का रिकमेंडेशंस में फ्रॉड नहीं होता है. अब क्या एग्जांपल इसमें, ए स्टेट्स दैट द डिटर्जेंट प्रोड्यूस्ड एट हिज फैक्ट्री वॉशेस वाइटर देन द वाइटेस्ट. बताओ whiter than the whitest, एकदम झकास, एकदम तो टाइट नहीं है ना, टाइट में है ना, कैसे दिखाते हो, एकदम व्हाइट कपड़ा होता है उसमें लाइट फेर देते एकदम, है ना, ऐसा आता है ना, तो whiter than the whitest. The statement made by A is merely a commendation of the product and not a fact, है ना. तो हम तो सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट है, आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छे कपड़े धोता है, लेकिन इसका तो ये नहीं क्या whiter than the whitest क्या होता है भी? क्या होता है, ये सिर्फ जुमले होते हैं जो बोले जाते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. बट इफ ए डिस्क्राइब्स द इंग्रेडिएंट व्हिच द डिटर्जेंट कंटेन्स, इट बिकम्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, एंड इट इफ दैट इज फाउंड इनकरेक्ट इट अमाउंट्स टू फ्रॉड प्रोवाइडेड ए नोज इट टू बी फॉल्स स्टेटमेंट. तो अगर उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है
और उसके इंग्रेडिएंट्स में या ऐसे कोई भी चीजों के बारे में वो गलत एक स्टेटमेंट देता है तो देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड। जैसे एक एग्जांपल समझना, आप लोगों ने बहुत बार सुना हो अगर पहले कभी कोका कोला, ये जो ड्रिंक है सॉफ्ट ड्रिंक, वंस अपॉन अ टाइम इट वाज बैन इन इंडिया, तभी सुना है आप लोगों ने। यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा क्यों बैन हो गई थी? कुछ तो इंग्रेडिएंट्स के चक्कर में था। हाँ इंग्रेडिएंट्स के चक्कर में। आपको पता है इंडिया में जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनपे जो है कुछ मार्क लगाना पड़ता है, जैसे ग्रीन रेड इस तरह की मार्किंग करनी पड़ती है ना। जो इनिशियली जब पहले कोको कोला आता था ना तो उसपे कोई सिंबल नहीं लगाते थे लोग, जबकि जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में हर टाइप के लोग रहते हैं है ना, प्योर वेजिटेरियन भी रहते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं लेकिन सिर्फ एग और नॉन वेज होते हैं लेकिन सिर्फ एग कंज्यूम करते हैं है ना, और कुछ लोग जो होते हैं वो नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं। तो हर टाइप की जनता जो इंडिया में रह रही है, तो अब अगर मान लीजिए कोई प्योर वेजिटेरियन पर्सन है और उसको आपने मीट खिला दिया तो फिर बवाल मचा देगा ना। हाँ ऑफ कोर्स। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लेके होने कंपलसरी है कि नहीं है? अच्छा आप जितने भी प्योर वेजिटेरियन वाले लोग हैं वो क्या देखते हैं, अरे भैया ग्रीन सिंबल लगा है कि नहीं लगा, चेक करते हैं ना। यस मैम, या फिर जो लोग हैं जो लोग सिर्फ एग कंज्यूम करते हैं मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, वो लोग क्या चेक करते हैं मैम वहाँ एक का सिंबल होता है साइड में है ना। उसके हाँ तो भाई कहीं मीट मीट तो नहीं, और मीट वाले जो है उस पर कौन सा सिंबल लगा होता रेड है ना, तो इसका मतलब आप सिंबल्स देख के कंज्यूम करते हो ना प्रोडक्ट्स को। अब अगर किसी प्रोडक्ट पे सिंबल ही नहीं लगा हुआ और ये और हद हो गई, पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है ना, पता नहीं वो वेजिटेरियन है कि नहीं। अगर वेजिटेरियन लोग हैं तो नॉन वेज कंज्यूम करते तो कोई बात नहीं, बट फिर भी स्टिल ऐसा थोड़ा ना नॉन वेज कंज्यूम करते तो कुछ भी खा लोगे, अरे इंग्रेडिएंट तो पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे जब पहले इनिशियली कोको कोला को बोला गया था कि भैया वो लगाओ, तो फॉर टाइमिंग बैन कर दिया, फिर बाद में उन्होंने ग्रीन सिंबल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो अब इंग्रेडिएंट में अगर झोलझाल करोगे, गलत बात बोलोगे, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलोगे, तो ये मटेरियल फैक्ट है कि नहीं है बताओ है ना। तो अगर आप सिंपल जो उसके आउटपुट आउटकम्स हैं उनको लेकर के सिर्फ रिकमेंडेशन के चक्कर में कुछ बोल रहे हो तो दैट इज ओके, दैट इज ओके। लेकिन आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में कुछ बोल रहे हो, दैट इज द फैक्ट। इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो भी बोलोगे देन इट इज नोन एज फैक्ट। तो फैक्ट को लेकर के कभी भी कोई भी मिस स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। और हाँ आउटकम को लेकर के जो भी आप बोल रहे हो वो आपका ओपिनियन है, वो आपका बिलीव है ना, वो आप कमेंट कर रहे हो लोगों को कि हाँ मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि भैया ये प्रोडक्ट जो है इससे आउटकम ऐसा निकल के आता है ना, तो वो लगने वाली बात हो गई, तो उसको फ्रॉड नहीं बोला जाता। इज दिस क्लियर? यहाँ ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। वैसे ये बात भी हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ी थी ना, पर इसको और इलैबोरेट करता है अभी। एक्टिव कंसीलमेंट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पैसिव कंसीलमेंट। अब एक्टिव पैसिव की बात हो गई यहाँ पे कि एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है, पैसिव कंसीलमेंट क्या होता है। तो पैसिव कंसीलमेंट इंप्लाइज मियर साइलेंस एज टू द मटीरियल फैक्ट विच बारिंग अ फ्यू केसेस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वेयर एज एक्टिव कंसीलमेंट वेन द पार्टी टेक्स पॉजिटिव और डेलिबरेट स्टेप्स टू प्रिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग द अदर, इट इज ट्रीटेड एज फ्रॉड। देखो एक्टिव कंसीलमेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट वो फ्रॉड है, ये मन के चलना। एक्टिव कंसीलमेंट है तो वो मटेरियल फैक्ट से कंसर्न में है तो वो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि वो क्या है, फ्रॉड है। लेकिन जब पैसिव कंसीलमेंट करते हो तो वहां पे फ्रॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब मैंडेटरी नहीं है। व्हाट आई सेड, वापस सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो कंसीलमेंट के दो टाइप हो गए, देयर आर टू टाइप ऑफ कंसीलमेंट्स। तो एक तो हो गया एक्टिव और एक हो गया पैसिव। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव कंसीलमेंट, तो एक्टिव तो मतलब मटेरियल फैक्ट के कंसर्न में बात कर रहे हो। Yes, तो एक्टिव कंसीलमेंट जो है क्या वो फ्रॉड होगा? Yes, वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, उसमें तो सोचना ही नहीं है तो फ्रॉड ही है। पैसिव अगर कंसीलमेंट है, पैसिव कंसीलमेंट है तो कंडीशनल बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, ये फ्रॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे
ए सेल्स अ हॉर्स टू बी। ए के पास कोई हॉर्स था, उसने अपना हॉर्स किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। और ये कैसे बेचा उसने, ऑक्शन से, बिडिंग विडिंग कराई थी, ऑक्शन किया उसने कि आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स, तो बी ने ऑक्शन में उस हॉर्स को खरीद लिया। अच्छा, ए को ये बात पता थी क्या कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। बाप रे बाप, हॉर्स क्या है, अनसाउंड है, हॉर्स क्या है, हाँ, नो अब अनसाउंड हॉर्स है तो उस पर राइडिंग कर पाओगे क्या, वो मैम, तो क्या आपको गिराएगा ना ऊपर से, एकदम फचाड़े लगाएगा आपको मच वाली, तो इसका मतलब वो हॉर्स यूजलेस है वैसे तो एक तरह से देखा जाए तो। बट स्टिल ए ने अपना हॉर्स जो है वो ऑक्शन के थ्रू बी को बेचा। उसने ये फैक्ट नहीं बताया, ये फैक्ट नहीं बताया कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड है। ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्स साउंडनेस, दिस इज अ केस ऑफ पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड कैन नॉट टेंट अमाउंट टू फ्रॉड। अच्छा एक बात बताओ, अगर हॉर्स अनसाउंड है तो बी आके देख नहीं सकता था क्या उसको? हम देखने के 5 मिनट में क्या पता चलता आप जब भी एक केव टेम्पटर वाली तो कहानी तो सुनी है, तो बायर भी वेयर तो होना चाहिए ना, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उससे पहले एक बार ट्रायल कर लेना चाहिए था। है? मैं बाहर से तो देख ही सकता था। आप हॉर्स खरीद रहे हो तो आप ट्रायल नहीं कर सकते थे क्या? यस मैम। आप ये तो मतलब ये तो ना प्राइमा वैसे दिखने वाली चीज थी ये तो। हाँ अगर अगर यस ये मैम। चीज ऐसी नहीं थी कि इंटरनली पता लगा हो आप इस चीज को, है ना, यहाँ पे इंटरनल पता लगाने वाला कोई केस नहीं था, यहाँ पे तो क्लियर कट बात थी कि भैया आप सामने से प्राइमा वैसे देख के पता लगा सकते हो। ऐसे एक एग्जाम्पल सुनो, आज मान लीजिए लड़के लड़की की शादी की बात चल रही है, लेट्स अज्यूम, है ना, लड़का वाला और लड़की वाले दोनों एक दूसरे को देखने आ रहे हैं, लड़का लड़की भी वहां पे प्रेजेंट है। अब मान लो लड़की की एक आंख नहीं है, एक ही आंख से देख सकती है वो, क्या ये चीज प्राइमा फेस में दिखाई नहीं देगी कि उसकी एक आंख खराब है? बिल्कुल फेस में दिख मैम, जाती है जरूरी नहीं है जिनके कि प्राइमा फेशियल दिखाई दे। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम जरूरी नहीं है कि प्राइमा फेशियल दिखाई दे, वो आजकल अच्छा अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है और प्राइमा फेशियल नहीं दिख जैसे। रहा है तब तो बात अलग है, बाकी इन जनरल बता रही हूँ मैं कि इन जनरल मान लीजिए उसकी एक आंख से वो ब्लाइंड है तो फेस से पता चल जाता है कि वो ब्लाइंड है, या फिर अगर मान लो एक हाथ कटा हुआ है उसका, अरे समझ आ जाएगा दिख जाएगा ना, इसमें बोलने की क्या जरूरत है, सामने वो भैया लड़की को दिखा दिया हमने और क्या चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब जो फैक्ट प्राइमा फेशियल दिख रहा है ना उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई डिस्कशन नहीं किया गया, तो जरूरी नहीं कि वो फ्रॉड ही हो। बोले कई बार ना हमने सोचा कि भैया आपने देख लिया आपको समझ में आ गया, भैया मुझे तो ये हॉर्स नहीं चाहिए था, क्या पता किसी को चाहिए होगा हॉर्स, अनसाउंड माइंड कोई कंट्रोल कर ले उसको, तो दैट मींस यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसने अनसाउंड अगर हॉर्स बेचा है तो ये प्राइमा फेसे दिखती हुई चीज है, तो यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट नहीं था जो हिडन हो और वो आपने छुपाया हो, तो इसीलिए दिस फैक्ट इज पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट एंड इट्स कैन नॉट टेंट अमाउंट टू फ्रॉड, तो इसलिए इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। मतलब ऐसा फैक्ट जो जो सामने वाले को समझना है, ऐसा फैक्ट जो मटेरियल भी हो सामने वाले को समझना है, तो फिर उस केस में वो फैक्ट क्या माना जाता है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट माना जाता है। ये कंसीलमेंट है ही नहीं, कंसीलमेंट है नंगा क्या, को दिख रहा है ना, ये तो सामने साफ साफ सामने सामने दिख रहा है भैया कि भाई अनसाउंड है वो, तो इसका ऐसा थोड़ा ना कि हॉर्स बी के आते एकदम बिहेवियर उसका चेंज हो गया हो हॉर्स का, है ना, उसने साउंड बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया हो, आई गेटिंग माय पॉइंट, yes. भाई हॉर्स तो अनसाउंड है तो हॉर्स किसी के सामने वैसा ही बिहेव करेगा जैसा कि वो है। चल नेक्स्ट है, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक लड़के ने एक लड़की को प्रॉमिस किया कि आई विल मैरी यू, प्रॉमिस है कि नहीं है? अब मान लो उसके इस प्रॉमिस पे लड़की ने ट्रस्ट किया और लड़की ने ट्रस्ट करके सब लड़कों से शादी करने से मना कर दिया, बोले ठीक है ये मिस्टर ए जो है मेरे से शादी करेंगे और मैं अब सारे लड़कों को रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही है। अब मान लो उसको पता चले लड़की को कि भाई साहब ये लड़का तो ऑलरेडी शादीशुदा है, मैरिड है, इसके तो बीवी बच्चे हैं, बताओ फ्रॉड है कि नहीं है? फ्रॉड है ना, ऑफ कोर्स फ्रॉड है। तो देखिए व्हाट इट सेज, इफ अ पर्सन व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट
while entering into a contract has no intention. अब जब ऑलरेडी बीवी बच्चे लेके बैठे हो तो थोड़े ना दूसरी शादी करेगा. अगर मॉन्टेन है तो अलाउड होता है, वहां पे तो दूसरी शादी कर सकता है. लेकिन अगर मान लीजिए मॉन्टेन नहीं है तो बाकी अदरवाइज रिलीजन्स में दूसरी शादी अलाउड नहीं होती ना. यस मैम, नहीं. फिर वहां पे तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले वाली को तलाक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही दूसरी शादी अलाउड होगी. तो यहाँ पे अब कोई पर्सन जिसमें मॉन्टेन लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और वो फिर भी ऐसी भयंकर कांड कर रहा है कि बीवी बच्चे होते हुए किसी और को बोल रहा है मैं तेरे से शादी करूंगा, no intention to perform his or her promise, there is a fraud on his or her part for the intention to deceive the other party is there from the very beginning. Starting से ही उसका intention सामने वाले person को धोखा देना था, intention to deceive था, तो definitely it amounts to fraud. अच्छा, एक English merchant appointed an Indian woman. बाप रे, इंग्लिश मर्चेंट ने इंडियन वुमेन को अपॉइंटमेंट लिया है ना एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी, और क्या प्रॉमिस किया, दैट ही वुड मैरी हर. तो प्रॉमिस क्या था, मैरिज का. प्रॉमिस किसका था, मैरिज का. लेटर शी केम टू नो दैट ही वॉज ऑलरेडी मैरिड एंड ही हैड मेड द प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्म इट. अब जब आपके पोल खुली चुकी है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और फिर भी स्टिल आप दूसरे प्रॉमिस कर रहे हो, इसका मतलब आपका कतई कोई इंटेंशन नहीं था कि आप शादी करोगे. इसका मतलब दिस इज व्हाट, फ्रॉड. तो इट वाज हेल्ड दैट शी कुड अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड. तो डेफिनेटली जॉब छोड़ के जाए कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे फ्रॉड अमाउंट होता है. On the similar code, a purchase of goods without any intention of paying the price is a fraud and the contract can be avoided on this ground. So, agar by chance koi bhi person payment karne ka intention nahi hai, lekin phir bhi kya kar leta hai, goods ko purchase kar leta hai. Payment karne ka intention nahi hai, lekin phir bhi goods kya kar leta hai, purchase kar leta hai. To ye fraud hai ki nahi hai? है ना, आपका पेमेंट का कोई इंटेंशन है ही नहीं. जैसे आजकल ना बहुत चल रहा है ऑनलाइन गुड्स परचेस करते हैं लोग, यूज करते हैं और वापस रिटर्न कर देते हैं, उनका इंटेंशन पेमेंट करने का होता ही नहीं है, उसमें बाद में कोई कोई डिफेक्ट निकाल देते हैं. ये बहुत चल रहा है ना आजकल, कई सारे लोग ऐसे हरकतें करते हैं. तो आजकल ना जो लोकल जैसे बड़े बड़े जैसे अमेजन वगैरह जो है, फ्लिपकार्ट, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिटर्न भी कर दो तो इट्स ओके. लेकिन जो छोटे मोटे जो वेंडर्स है ना जो कुछ सेल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा भारी काम हो जाता है इस तरह से. तो वो लोग आजकल क्या करते हैं कि आप जब भी प्रोडक्ट ओपन करोगे वीडियो बनाओगे, आप वीडियो बनाओ और उस वक्त दिखाओ कि कोई डिफेक्ट है क्या, और ये वीडियो सेंड करो. आप प्रोडक्ट ओपनिंग के वक्त ही वीडियो बनाओगे तो ही हम रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. तो वो ऐसी कंडीशन लगा देते हैं आजकल, है ना, क्योंकि पता है लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं भाई, कि प्रोडक्ट एकदम सही था उसके बावजूद भी यूज कर लिया, बोले आप ठीक है. और स्पेशली जो गारमेंट्स में है उसमें ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और गर्ल्स है उनको रोज नए नए ड्रेसेस चाहिए होती है, चेंज करना है, ये वो सेल्फी चाहिए अलग अलग ड्रेसेस में, पसंद आई मंगा लिया, अब बोले कि ठीक है अब हो गया मेरा सेल्फी का काम, सारे सोशल जितने भी मीडिया उस पर मैंने अपलोड कर दी फोटो, अब मुझे दूसरी ड्रेस चाहिए. तो ऐसी हरकतें लिटरली हो रही थी, तो लोगों ने वहां पे इस तरह के जो है तोड़ निकालना स्टार्ट किया, बोले कि यार आप ओपनिंग करते वक्त ही वीडियो बना दो. फाइन, तो अगर आपने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी ऐसा प्रॉमिस किया है जिसमें आपका कतई इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का, देन डेफिनेटली इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. तो हमने 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स अभी तक पढ़ लिए हैं. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से, एकदम क्लियर है ना. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा टॉपिक चल रहा है, फ्रॉड क्या है क्या नहीं है, कब फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. आज के लिए इतना ही इनफ है, रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो है वो हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.